रेमंड समूह के प्रमुख गौतम सिंघानिया का यह कहना है कि वे सभी कंपनियों के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे देंगे और इसके पीछे उनका मकसद यह है कि एक ऐसा स्वतंत्र संस्थान खड़ा करना जहां प्रतिस्पर्धा की भावना से संचालित हो और जिसमें प्रमोटर का कोई दखल नहीं हो। उल्लेखनीय है कि उनके पिता विजयपत सिंघानिया के साथ उनके बेहद विवाद रहे हैं और उन्होंने अपने पिता को पूरी तरह से बेदखल कर दिया था। उल्लेखनीय है कि गौतम ने यह भी कहा है कि वह उस व्यक्ति के शुक्रगुजार रहेंगे जो उनके पिता विजयपत सिंघानिया को उनके साथ रहने के लिए राजी कर सके। उन्होंने कहा, वह मेरे पिता हैं, 81 साल के हो चुके हैं, मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे दो इंजीनियरिंग कंपनियों जेके फाइल्स और रिंग प्लस एक्वा के चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दे देंगे। इन कंपनियों के लिए प्रोफेशनल चेयरमैन की तलाश की जा रही है। वह रेमंड समूह की सबसे प्रमुख कंपनी रेमंड लिमिटेड के चेयरमैन पद से भी हट सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें।